की सबसे बड़ी खबर के साथ, तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह खबर, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में आरोपी उस्मान ढेर हो गया है। आज पुलिस और उस्मान के बीच एनकाउंटर हुआ था, इसके बाद उस्मान घायल हुआ और घायल हालत में उस्मान को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। अब बताया जा रहा है कि उस्मान ही वो शख्स था जिसने उमेश पाल को सबसे पहले गोली मारी। इन चार तस्वीरों से आप उमेश पाल मर्डर केस में अब तक की कार्रवाई जो है वो समझ सकते हैं। 24 फरवरी को आपको बता दें कि प्रयागराज में बदमाशों ने सरेराह गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। हत्या का शक माफिया अतीक अहमद पर था। सीसीटीवी वीडियो से पूरी साजिश जो है वो बेनकाब हुई। अब इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को साफ साफ चेतावनी दी थी और कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद इस केस में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए 27 फरवरी को सबसे पहले अरबाज नाम के शूटर को एनकाउंटर में ढेर किया था। अब उसके 6 दिन बाद एक और शूटर जिसका नाम उस्मान और वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। आपको बता दें कि उमेश पाल पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि इसी शख्स ने गोली मारी थी उस्मान ने, जो कि आज पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गया है। तो 2 शूटर अब तक पुलिस की तरफ से ढेर कर दिए गए हैं और बाकियों की तलाश जारी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और दूसरी तरफ पूरे जो घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है अतीक अहमद बताया जा रहा है, माफिया उसके करीबियों पर, उसके परिवार पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। जो अवैध निर्माण है उनके, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के, और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मच्छरी भेज दिया गया है। बॉडी को इंजरी किस तरीके थी, क्या गोली वोली लगी हुई क्या? हाँ, गोली लगी हुई है, और चूंकि और इसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था। जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था, तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। तो वही एनकाउंटर के बाद जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद गुरफान ने उस अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टरों से बातचीत की जहां पर एनकाउंटर के बाद शूटर उस्मान को ले जाया गया था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी है उस्मान, उसको यहाँ पर लाया गया करीब 2:30 बजे कौंधियारा इलाके में। मुठभेड़ की जो पूरी घटना है वो होती है, ड्राइवर एम्बुलेंस के हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया कितने बजे के आसपास ये जानकारी आपको मिली है? 5:40 पे आपको सूचना मिली है। कितने बजे घटना, कितने बजे हुई है? अभी तो घटना लमसम मारा तो 2:30-3 बजे की थी। 2:30-3 बजे हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पहले कंडीशन खराब थी, उसके बाद तुरंत रेफर कर दिए हम लोग। क्या आपका क्या नाम है? सत्यम। देखिए ये सत्यम है, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, और इसी एम्बुलेंस से जो बदमाश है जो मुठभेड़ में ढेर हुआ है उस्मान, यहाँ पर लाया गया। और इन्होंने साफ बताया कि करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास रात में पूरी मुठभेड़ की जो घटना है जो पुलिस और बदमाश के बीच हुई है, उसके बाद बदमाश को फिलहाल मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। उस्मान को डॉक्टरों की जो टीम है उसने मृत घोषित कर दिया है। अंदर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो की जा रही है, और यहीं पर ले आया गया है उस्मान को। उस्मान की अगर बात करें तो पहली गोली उस्मान ने ही उमेश पाल पर, उस दरमियान जब पूरी जो शूट आउट हुआ था, शूट आउट के दरमियान उसी ने पहली गोली मारी थी। उसमें एक सिपाही को भी इसने टारगेट किया था। हालांकि आज जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में, ये अंदर की तस्वीरें हैं, हॉस्पिटल के भीतर की तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा। बदमाश उस्मान, जो ये तस्वीरें, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अंदर जो बदमाश है वो बदमाश की जो तस्वीरें हैं ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है बदमाश को फिलहाल डेथ घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और इसको अब पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल इसको अब पोस्टमार्टम हाउस यानी मोर्चरी ले जाया जा रहा है। मोर्चरी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद इस बदमाश को
शव को परिजनों के हवाले किया जाएगा। साफ है जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उन्होंने इस दुस्साहसिक बदमाश को फिलहाल मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 27 फरवरी को पूरे उमेश पाल हत्याकांड के जो एक आरोपी था उसको ढेर किया गया था, दूसरे आरोपी को आज ढेर किया गया है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बदमाश फिलहाल मुठभेड़ में ढेर हो चुका है और इस बदमाश की जो भूमिका थी, पहली गोली इसी बदमाश ने मारी थी और उसके बाद सीधे इसने पुलिस कर्मियों को जो सुरक्षा में तैनात थे उमेश पाल के उनको भी टारगेट किया था। फिलहाल इसको डेथ घोषित किया जा चुका है, इसके डेथ सर्टिफिकेट को जारी किया जा रहा है और इसके शव को फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा, विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद इसके परिजनों को इसके शव को फिलहाल सौंपा जाएगा। इसी बीच